देखो ना ये क्या हाल करा इन लोगों ने, पीपल्स पार्टी ने क्या दे दिया, कचरे के सिवा गटरों के सिवा खप्पे खप्पे के पूरा पाकिस्तान खा गए, पूरा खप्पे खप्पे के पाकिस्तान खा गए। इनको पता नहीं कौन खप्पे का किसी गल्ले बंदा इतनी बेदार आ गई। चाहिए रहे क्या आबादी का मजा, गरीब मर जाए मर जाए, हम लैंडलॉर्ड जिंदा रहे बस। अमीर लोग को जीने का हक है, वो तो खा लेगा, वो 200 क्या 400 भी टमाटर खरीद लेगा। जो हकीकत ये है कि अगर सच बोलेंगे तो आपका भी काम बंद हो जाएगा और हमारा काम भी बंद हो जाएगा। सच बोले ना, सच बोले, हम सच सुनना चाहते हैं। बात ये है कि कुछ तो महंगाई आगे से होती है, कुछ लोग करते हैं। असल बात ये है कि बेचने वाले भी खराब हैं और खरीदने वाले जो हैं वो अपने आप को समझते हैं कि हम अकलमंद हैं। अकलमंद तो कोई भी नहीं है इस वक्त, सबकी अकलें बंद हैं। रात में 6 रुपये किलो बिक गई, सुबह में कम होते होते यही चीज़ 600 रुपये किलो भी बिक जाएगी। अब यहाँ पे जो 600 रुपये किलो लाया वो 6 रुपये किलो वाले से कैसे मुकाबला करेगा। पॉइंट बता रहे हैं अंकल कि मंडी में रात में रेट कुछ और होते हैं, सुबह तक रेट आधे हो जाते हैं, तो वो जाहिर सी बात है जो बंदा महंगी लेकर आएगा वो महंगी बेचेगा। तो असल में प्रॉब्लम हमारी नहीं है, प्रॉब्लम जो है हमारे इदारों की, हमारे इदारे संभालते नहीं किस चीज़ को। मैं हूं आपकी होस्ट सिद्रा जब्बार, आपको वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल कंज्यूमर पाकिस्तान में। तो नाज़रीन जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि गोश्त तो पहले ही गरीब आदमी की पहुंच से बाहर था, लेकिन अब सब्जियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले जो कि प्याज तो 2.5 किलो 5-5 किलो के हिसाब से लोग लेते थे, आज वही लोग एक एक पाव प्याज ले रहे हैं। आप देख सकते हैं एक एक पाव आलू ले रहे हैं। आलू प्याज की क्या औकात थी, मतलब घरों में 5-5 किलो 2.5 किलो ली जाती थी ये चीज़ें, लेकिन आज एक एक पाव लिया जा रहा है। टमाटर 250 रुपये किलो, मतलब गोश्त को पीछे छोड़ दिया है सब्जी ने, तो गरीब आवाम इतनी परेशान है। जाएंगे आप बोलिए, परेशान सब लोग परेशान है। ये आलू प्याज पहले 5-5 किलो लेते थे, सही कह रही हूँ मैं? कितने कितने ले रहे हैं अब तो गुंजाइश बंद, लोग ये चाहिए 20 रुपये की भी लेते हैं, 10 रुपये की भी लेते हैं। 10 आता है, देता कोई नहीं है। नहीं नहीं दे, लेते हैं, देते वो आपके मुंह पे बोल के 10-20 रुपये की लेते हैं। 20 रुपये के टमाटर कितने दिए आपने? 20 रुपये का एक टमाटर आया, मतलब ये देखिए एक टमाटर 20 रुपये का। पहले लोग दही नहीं डालते थे खाने में ना, कि महंगा टमाटर डाल देते थे, अब दही सस्ता लग रहा है, जबकि दही भी 70 रुपये पाव है, लेकिन इसके नस्बत दही सस्ता लग रहा है। तो मुझे ये बताइए कैसे कम होगी भाजी, ये तो पीछे से हमें क्या मालूम कैसे। आप बड़े हंस रहे लग रहा है, आप बहुत सेटिस्फाइड है, आपकी जो बिक्री होती है वो महंगाई में ज्यादा होती है या जब सस्ती होती है सब्जी तब ज्यादा होती है? महंगाई में ज्यादा बिकता है ठियो पे माल। खुश हो रहे हैं जनाब, कह रहे महंगाई में ज्यादा बिकता है ठियो पे माल, और हंसी नहीं रुक रही है, गरीब आवाम पिस रही और आपकी हंसी नहीं। तो क्या करें, रोए क्या, जो सबके साथ है वो हमारे साथ है। मैं मतलब महंगाई में लोग ज्यादा लेते हैं, महंगाई में इसलिए जो फेरी वाले होते हैं वो कम हो जाते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं, वो नहीं बेचते फिर। महंगे में हर कोई लाता है माल, डरता है बिकेगा नहीं बिकेगा, शाम को फिकेगा तो नहीं, ये होता है। सब्जी का तो ऐसा काम है ना, शाम में फिकती भी है कोई चीज, जो खराब हो गई दूसरे दिन तो वो बिल्कुल बेकार हो जाती है ना, वो कोई बिकती है, ये होता है। हर आदमी नहीं लाता महंगी की वजह से, अब जो फेरी वाले हैं जो ठेलों पे जो चलते हैं वो नहीं लाते, तो फिर ठियो पे माल बिकता है। ये चीज़ उन्होंने नहीं बताई कि महंगाई जब हो तो ज़्यादा माल आवाम लेती है इस तरीके से ठियो से, मतलब महंगाई भले हो जाए फेरी वालों का नहीं होता जिम्मेदारी। ये खुश हैं जनाब, इनकी बिक्री हो रही है, अल्लाह ताला और मज़ीद तरक्की दे। दुआ करते हैं कि आप सस्ताई हो जाए दोबारा, फेरी वालों की भी रोज़ी लगे। हर चीज ही महंगी है, सब्जी कोई हर चीज ही महंगी है, हम तो दुआ करते हैं हर चीज ही हो सही। सबसे ज्यादा सब्जी ने आग लगा दी है, क्योंकि गरीब की पहुंच में सिर्फ सब्जी थी। हम भी जाते हैं पीछे तो हमें भी माल महंगा ही मिलता है ना, हमें भी परेशानी है, परेशानी सबके लिए, हमारे लिए नहीं है, आवाम के लिए, सबके लिए परेशानी है। थैंक यू। बाहर से सब्जी आ रही है, कराची में सब्जी तो होती नहीं है, तो जो आती है कभी कहीं मामला होता है तो रोड ब्लॉक हो गया तो वो सारी आवाम को भुगतना है। अच्छा, इसके पीछे का सब्जी माफिया है, सैलाब है, ये बाहर से तो आ रहा है, इतनी महंगाई क्यों हो रही है? मतलब 250 रुपये किलो टमाटर, 250 रुपये किलो टमाटर नहीं बिक रहा है, जैसी पोजीशन होती है वैसे टमाटर बिकता है। जो हकीकत ये है कि अगर सच बोलेंगे तो आपका भी काम बंद हो जाएगा और हमारा काम भी बंद हो जाएगा।
सच बोले ना, सच बोले, हम सच सुनना चाहते हैं। बात ये है कि कुछ तो महंगाई आगे से होती है, कुछ लोग करते हैं। असल बात ये है कि बेचने वाले भी खराब हैं और खरीदने वाले जो हैं वो अपने आप को समझते हैं कि हम अकलमंद हैं। अकलमंद तो कोई भी नहीं है इस वक्त, सबकी अकलें बंद हैं। बेचने वाले भी खराब हैं, आप भी बेच रहे हैं तो क्या खराबी है? खराबी ये है कि एक रेट नहीं होते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है वो दुरुस्त नहीं है। लिस्टें आती थी पहले, वो रुक चुकी हैं। अभी एक महीने से तो कोई लिस्ट ला ही नहीं रहा है। रेट लिस्ट नहीं है, जिसका जो दिल चाह रहा है वो अपनी मर्जी के हिसाब से बेच रहा है। कोई 160 रुपए दे रहा है यही टमाटर, कोई 250 रुपए दे रहा है, और इसी जगह पे थोड़े थोड़े दूर के फासले पर। मसला ये है कि एक रेट यूं नहीं होंगे ना, कि जब आपके पास कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं होगा तो चेक करने वाले वो भी अपना माल लेके चले जाते हैं। गवर्नमेंट का काम है, आवाम में तो लोग सुधरे हुए नहीं, आवाम भी बिगड़ी हुए, तो हुक्मरान हमारे बिगड़े में आए हुए। लेकिन बात ये है कि अगर मैं जो बात बोलूँ वो कोई समझ में आ रही होगी, लेकिन वो उस पर अमल कौन करेगा? अमल तो जिन लोगों को करना हो तो करेंगे नहीं, आपको भी कट करना पड़ेगा, काटोगे पीटोगे इसमें तो एडिटिंग करके। आप बोल दें, जो बोल रहे हैं बोल दें, लगेगा सब। आप मैं बोल भी दूंगा तो नहीं चलेगा। एक मसला ये है कि एक चले आज एक मेरी बात सुने, किसी आदमी ने मंडी के अंदर रात में 1200 रुपए की पेटी खरीदी है, सुबह में माल ज़्यादा आ गया, वो रह गया 600 रुपए का, तो 1200 वाला 600 वाले से कैसे मुकाबला करेगा? एक तो हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, सिस्टम हमारा बोसीदा है, निज़ाम हमारा ख़राब है। अगर सच बोलेंगे तो हमें गद्दार बोलोगे आप? असल बात यह है कि सच बोलने के ऊपर गद्दार बोला जाता है पाकिस्तान में, रियलिटी यही है। अब आप रियलिटी सुनना समझना चाहोगे तो आप बोलोगे कट 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 कट, तो कट ही होगा। कोई कट नहीं हो रहा है, सब जा रहे हैं, क्योंकि हमारा चैनल ही कंज्यूमर पाकिस्तान है। मैं ना जो बिल्कुल बोसीदा है, गलत सिस्टम है। एक तो हमारे यहाँ सिस्टम ये नहीं है, टारगेट नहीं है, हमारे यहाँ कोई टारगेट नहीं है, हमारे यहाँ कोई बैलेंस नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, मंडी नहीं है। मंडी इतनी बड़ी बनाई है हमने, वहाँ पे आपको चेक करने वाला नहीं है। अच्छा, मंडी में कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है? सबसे बड़ी बुराई तो ये है कि अगर ये चीज़ जैसे कि ये है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चीज़ है, रात में 6 रुपये किलो बिक गई, सुबह में कम होते होते यही चीज़ 600 रुपये किलो भी बिक जाएगी। अब यहाँ पे जो 600 रुपये किलो लाया वो 6 रुपये किलो वाले से कैसे मुकाबला करेगा? पॉइंट बता रहे हैं अंकल कि मंडी में रात में रेट कुछ और होते हैं, सुबह तक रेट आधे हो जाते हैं, तो वो जाहिर सी बात है जो बंदा महंगी लेकर आएगा वो महंगी बेचेगा। तो असल प्रॉब्लम हमारी नहीं है, प्रॉब्लम जो है हमारे इदारों की, हमारे इदारे संभालते नहीं है किस चीज़ को। वहाँ पे एक चीज़ कम होती जाती है तो वो बोलते हैं भाई बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। ये हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है ना, वो ना तो तालीम की तो कमी है ही, ग्राहक जो लोग पढ़े लिखे लोग शामिल हैं इसके अंदर बहुत सारे लोग। अब हमारे यहाँ सब में कम रेट है, मैं 10 का 20 का सबको दे देता हूँ। हमारा तो हम तो हमारे यहाँ तो सिस्टम है, हमारा 10 का 20 का बिकता है। सब्जी खाने प्याज देखो इतनी महंगी, हर चीज़ आमदनी इतनी नहीं है, एक बच्चा किराया भरता है, एक घर चलाता है, इतनी परेशानी हो रही है अल्लाह जानता है। बस किराए का मकान नहीं बेटा, किराया भी मालिक मकान किराया भी बढ़ा देते हैं, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, कि परेशान हो गए, हर चीज़ पंखा ही बंद करके बैठते हैं हम लोग कि बिल ज़्यादा ना आ जाए कहाँ से भरेंगे। हम तो फाड़ के तो नहीं फेंकना, हमें तो भरना है ना बेटा, इस वजह से। यहीं पे इसी मार्केट में कोई 160 रुपए किलो भी टमाटर दे रहा है, कोई 200 भी दे रहा है, 160 रुपए पाव टमाटर, 160 रुपए किलो है यहाँ पर। नहीं 60 रुपए किलो कोई नहीं है टमाटर यहाँ पर, कौन बेच रहा है 160 रुपए किलो? कह रहे हैं 100 वाले भी हैं। हर चीज़ महंगी है, बंदा क्या खाए? खाने से दाल, पहले दाल इस्तेमाल करते वो भी परेशान हो गए कि दाल भी किस तरह, दाल भी 250 रुपए किलो पे चली गई ना, इतनी महंगी हो गई है, क्या इंसान खाए? आंटी कैसे सरवाइव करेगा गरीब बंदा? पता नहीं कैसे करेगा। आप देखो, आप इतनी चोरियां डकैतियां सब बढ़ गई हैं, हर चीज़ बढ़ गई है, आवाम परेशान हो गई, किस तरह कमाए? क्या घर में बैठता भी तो इंसान डरता है। लेकिन जो बेचारे सफेद पोश लोग होते हैं ना, चोरी डकैती भी अगर वो कोशिश भी करें तो वो बेचारे अपनी जान से जाते हैं। बढ़ गई ना बेटा, बेरोजगारी बढ़ गई, इस वजह से सारे मसले हो गए। पैसा देते हैं और वो 5 रुपए की चीज़ मिलती है, 5 रुपए की चीज़ मिलती है, यहाँ पे है ना महंगाई इतनी बढ़ा देते हैं, सब चोर हैं। ऊपर से नीचे तलक सही हो जाए ना लोग, तो सारे चोर बैठे हुए हैं यहाँ पे। कोई भी होगा ना, 5 रुपए का टमाटर मिलता है, यहाँ 50 रुपए का बेचते हैं, वो तो बिल्कुल ही वो हो गए। क्या वो हो जरदारी हो क्या कोई हो, सब चोर हैं, आपस में लड़ रहे हैं, गरीब का कोई नहीं सोच रहा, कुर्सी बचाने का सोच रहे हैं, सब चोर हैं।
आपस में लड़ रहे हैं, वो उसको बुरा कह रहे हैं, वो उसको बुरा कह रहे हैं, वो उसको बुरा कह रहे हैं। ये टमाटर देखो, ये गरीब आदमी कहीं से ले सकता है? किराए वाला मकान वाला क्या लेगा बताओ, हैं? गरीब आदमी है, मेरा भी आग का मसला है, हैं? सारे चोर हैं हमारी नज़र में, सारे कोई पार्टी भी हो सब चोर हैं। नहीं बेटा, ये भी आगे से क्या, पीछे से महंगा आएगा तो ये क्या करेंगे ये भी? हाँ उल्टी क्या पार्टी के चोर की क्या बात है, इंसान गरीब को कुछ भी नहीं देते। या तो लोग पार्टी वही अच्छी जिसका बैंक बैलेंस बाहर नहीं है, जो यहाँ है वो पार्टी वाला बस अच्छा है, जिस हुक्मरान बाहर है ना समझो वो करप्ट है, जो हमारे बीच में वो अच्छा है। इमरान खान लाजी बात में तो बोलूंगी, देखो ना ये क्या हाल करा है इन लोगों ने, पीपल्स पार्टी ने क्या दे दिया, कचरे के सिवा गटरों के सिवा खप्पे खप्पे के पूरा पाकिस्तान खा गए, पूरा खप्पे खप्पे के पाकिस्तान खा गए। इनको पता नहीं कौन खप्पे का, सारे चोर एक हो गए, सब चोर एक हो गए। वोट दो इमरान खान को, बस आप किसके साथ? इमरान खान के साथ। इमरान खान जब तक था निजाम सही था, कोरोना आया सब आया, लेकिन लोग इतने परेशान नहीं हुए जो अब हो गए हैं परेशान। बिल्कुल सही कह रहे हैं, देखिए इमरान खान के साथ सब लोग हैं, इतने परेशान के काम नहीं थे बच्चों के सब, लेकिन हमने किराया भी दिया सब कुछ करा कोरोना में। बहुत बेटा सस्ताई थी, पेट्रोल तक सस्ता था और आटा सस्ता था बहुत। अब आटा देखें, चीनी देखें कहाँ चली गई, कचरा देखो 120 ऐसे कोई बेच, अपने अपने निजाम से बेच रहे। सब जो रेट बढ़े हैं ना सबसे ज्यादा, एक तो गरीब बंदा खाने रोटी छिन गई है, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, महंगाई इतनी ज्यादा हो रही है, और केएमसी का टैक्स लिया जा रहा है वो मेरे सामने देखें, पीछे कचरे का ढेर इतना ज्यादा है, मतलब काम कुछ नहीं हो रहा और पैसे टैक्सेस के नाम पर लूट गया। इमरान खान के पास था क्या, खजाने खाली सब खाली, इसी गल्ले बंदा इतनी बेदेजार चाहिए रहे की आबादी कम हो जाए, गरीब मर जाए, मर जाए, हम लैंडलॉर्ड जिंदा रहे बस। अमीर लोग को जीने कहा कि वो तो खा लेगा, वो 200 क्या 400 भी टमाटर खरीद लेगा, गरीब आदमी तो डॉक्टर के पास जाने से भी घबराता है, ये कहना इतने 1000-1500 रुपए लग जाएंगे अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो। हाँ अगर डॉक्टर को दिखा दिया फिर दवाइयों से घबराते हैं कि दवाई कैसे लें, परेशान हो गए इतना, ऐसा गुस्सा आता है बास टाइम तो नफसियाती हो जाएंगे जैसे इंसान हो चुके हैं, नफसियाती हो चुके हैं, डिप्रेशन के मरीज हो चुके हैं।